तो बड़ी खबर, तो शाम से जहां पर डाडम गांव में राहत बचाव कार्य जो है वो अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो शाम से आ रही है, बचाव टीम ने एक और शव निकाला है। तो अब तक चार लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है, चार लोगों का शव निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। लगातार हादसे वाली साइड पर जो बचाव कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। कल जब यह हादसा हुआ उसके तुरंत बाद से राहत बचाव कार्य की जो टीम थी वो वहां मौके पर मौजूद है और कड़ी मशक्कत के बाद वहां से जो वहां उस मलबे में दबे हैं लोग, जो मजदूर, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये दर्दनाक हादसा सुबह के वक्त तकरीबन हुआ, जिसके तुरंत बाद यहां पर राहत बचाव कार्य जो था वो यहां पर शुरू कर दिया गया। कल पहाड़ खिसकने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। डाडम गांव में राहत बचाव का काम जो है वो जारी है और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो शाम से आ रही है। बचाव टीम ने एक और शव निकाला है, जो अपडेट अभी फिलहाल आ रही है। एक और शव यहां पर निकाला गया है। कई लोगों के अभी भी इस मलबे में, पहाड़ के मलबे में दबे होने की जानकारी जो है वो यहाँ पर मिल रही है, जिसको लेकर राहत बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो वहीं इस हादसे को लेकर भी अब कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं इन पर। माइनिंग जोन में चट्टान खिसकने से हादसा हुआ, हादसा बड़ा, सवाल कई। नए साल पर तो शाम में ये बड़ा हादसा हुआ, चट्टान खिसकने के बाद कई सवाल खड़े। अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, जिनके शवों को निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। क्या खनन से पहले जरूरी जांच नहीं हुई और यहां पर सीधे काम शुरू करवा दिया गया? क्या कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया? सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी खनन क्यों यहां पर जारी था? ये सवाल है कई। खनन नहीं होता तो पहाड़ी इस तरह नहीं दरकती। क्या प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है इसके पीछे, इस हादसे के पीछे? क्या हादसे का जिम्मेदार भ्रष्टाचार है जो कि यहां पर पाया गया, या ज्यादा मुनाफा कमाने के होड़ इस हादसे के जिम्मेदार हैं? ये सवाल है। दीपक मुठरेजा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, इस हादसे के बाद, क्योंकि अभी राहत बचाव कार्य भी चल रहा है, चार शव जो है वो निकाले गए हैं, अभी भी कई लोग वहां पर दबे हुए हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये सवाल उठ रहे हैं इस हादसे के बाद कि आखिरकार लापरवाही अगर बढ़ती गई तो कहां बढ़ती गई? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कल सुबह का हादसा है, कल सवेरे जिस प्रकार से चट्टा सकने के बाद हादसा हुआ, जिसके कारण जो है तीन लोगों की मौत कल ही जिसकी पुष्टि हो गई थी। हालांकि जो राज्य के गृह मंत्री है उन्होंने ट्वीट करके चार लोगों की जानकारी दी कि चार लोगों की मौत हुई है। वहीं कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है, हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये जाँच का विषय है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है, लगातार जाँच की जा रही है, लगातार तलाशी की जा रही है, चट्टानों को हटा हटा कर देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति और तो दबा हुआ नहीं है। अभी ये आशंका जाहिर करी है कि कुछ लोग और दबे होने की, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कुछ लोग और अभी हैं या नहीं है। हालांकि ये मामला फिलहाल जो है पूरी रात जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी रही, पूरी जो जगह है उसको देखा जा रहा है कहीं कोई और व्यक्ति दबा हुआ तो नहीं। जी अंजलि, बिल्कुल, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं यहाँ पर, अगर दीपक बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि सब सवालों के तरह एक सवाल ये भी है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सख्त गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, जिसमें खनन कार्य या अन्य जो कार्य हैं उनको लेकर भी सख्त गाइडलाइंस की गई है, क्या उन्हें फॉलो किया गया यहाँ पर? देखिए अंजलि, आपको बता दूं कि पहले जैसे जिस प्रकार से जो है पोल्यूशन विभाग ने एक लेटर जारी किया था जिसमें सभी जो खनन है उसको बंद कर दिया गया, लेकिन उससे पहले, उसके बाद जिस प्रकार से ये खनन कार्य जब शुरू हुआ है उससे दो दिन पहले फिर से ये लेटर जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि खनन कार्य शुरू हो सकते हैं। हालांकि बिजली के जो कनेक्शन काटे गए थे वो भी पूरे लगा दिए गए थे। दूसरा दिन था जहां कार्य जो है शुरू हुआ था,
उसके बाद ये घटना घटित हुई है। उसमें जिस प्रकार से जो हादसा हुआ है, वो हादसे में तीन लोगों की पुष्टि जो है कल ही कर दी गई थी कि मारे गए हैं। हालांकि एक व्यक्ति की बाद में और पुष्टि की जा रही है। हालांकि अभी गृह मंत्री जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, इसकी पुष्टि स्थानीय प्रशासन ने नहीं की है जो थे कि अलग तीन की पुष्टि जो है स्थानीय प्रशासन ने कर दी थी। बिल्कुल, हालांकि अभी अब सवाल दीपक ये भी बना हुआ है कि जब भी ऐसे खनन कार्य होते हैं तो जांच पड़ताल जो है पहले की जाती है ताकि इस तरीके के हादसे यहाँ पर ना हो। अब सवाल ये कि सुबह तकरीबन ये हादसा जब हुआ, क्या साइट पर जांच पड़ताल यहाँ पर नहीं की गई? क्या तय मानक के अनुसार यहाँ पर ये नहीं परखा गया कि अगर जरूरत से ज्यादा यहाँ पर खनन करवाया जाता है तो इस तरीके के हादसे भी हो सकते हैं? बिल्कुल अंजलि, जिस प्रकार से बार बार जिस प्रकार से सवाल जो है प्रशासनिक अधिकारियों से और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने अभी यही कहा था कि ये मामला अभी फिलहाल ये बात का मामला है, इस मामले की जांच होगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से राहत कार्य करना पहला कार्य है, जिस प्रकार से वहाँ राहत कार्य जो कार्य है वो शुरू भी कर दिया गया था, उसी समय से ही लगातार जो टीमें हैं, स्थानीय प्रशासन की टीम हो या फिर NDRF SDRF की टीम हो, लगातार लगी हुई है और राहत कार्य जो है वो किया जा रहा है। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी ने भी कल जिस प्रकार से सवाल उठाया था, वो खुद मौके पर गए भी थे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री JP दलाल भी मौके पर गए थे। धर्मेंद्र सिंह जी ने जिस प्रकार से कहा है कि वहाँ जो खुदाई का कार्य है वो ज्यादा हुआ हुआ है, उन्होंने इस बात पर सवाल भी खड़े किए और कहा कि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, जाँच होनी चाहिए इस मामले की। लेकिन जाँच कब होगी ये तो आगे का विषय है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर के क्या संज्ञान लेते हैं वो आगे की बात है। दीपक, अभी क्योंकि अभी तो जांच चल रही है, औपचारिक तौर पर अभी कोई स्पष्ट जानकारियां तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन अभी क्या कोई आंकड़े यहां पर आ पाए हैं कि उस दौरान जब ये खनन कार्य वहां पर हो रहा था हादसे से पहले कितने लोग वहां पर, कितने मजदूर वहां पर मौजूद थे? देखिए अंजलि, अभी इस मामले की जानकारी नहीं मिल पाएगी टोटल कितने व्यक्ति वहां पर थे, क्योंकि वहां डंफर काफी खड़े थे। डंफरों ये भी बताया जाता है कि डंफर खड़े होने के बाद जो ड्राइवर और कंडक्टर है वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि कितने लोग वहां पर मौजूद थे। स्थानीय प्रशासन भी मामले पर जुटा हुआ है, देखने को जुटा हुआ है कि कितने लोग वहां पर थे, और फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पा रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मुठरेचा इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी जांच का विषय है और ये पता लगाया जा रहा है किसकी लापरवाही की वजह से इतनी जो अब तक जाने गई हैं और किसकी वजह से हादसा हुआ है।